और मैं आपको क्लास इंटरमीडिएट का 4th चैप्टर द होम कमिंग पढ़ा रहा हूँ, जिसका एक पार्ट पहले हो चुका है। अब हम आगे अपनी वीडियो जारी रखते हैं। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माँ ने पीछे कदम बढ़ाए एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, उसने एक अजनबी को देखा। हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, उसका क्रोध आश्चर्य बदल गया। फर्स्ट ही रिकॉग्नाइज हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था, एंड क्राइड, और तेजी से बोली, वाई दद्दा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, क्यों दद्दा आप कब आए, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, एज सी सेड, उसने पूछ कहा। दिस वर्ड्स वाले शब्दों को सी बोर्ड टू द ग्राउंड, वह ज़मीन की ओर झुकी एंड टच हिज फीट, और उनके पैर छू लिए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसके भाई बाहर चले गए थे शीघ्र ही जब उसका विवाह हुआ था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, उसने बम्बई में बिजनेस शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, इसी बीच उसके बहन ने अपने पति को खो दिया। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, जब वो मुंबई में था। बिसंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, बिसंभर अब कलकत्ता वापस आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और उसने इसके बारे में अपने बहन से पूछा। ही हैड देन हैस्टन टू सी हर एज सुन एज हर फाउंड आउट वेयर सी वाज, वह शीघ्र ही उससे मिलने के लिए चला आया जब उसको पता चला वेयर सी वाज, जहाँ वह अब थी। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, भाई ने उन दो लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई सिस्टर दैट फटिक वॉज अ परपेचुअल नॉइसेंस, ही वॉज टोल्ड बाई सिस्टर, उसकी बहन ने उसको बताया, फटिक वॉज ए परपेचुअल नॉइसेंस, फटिक निरंतर उसे परेशान करता है। ही वॉज लेजी वालसी है, डिसोबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन करता है, इन वाइल्ड, और जंगली जैसा व्यवहार करता है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उसके लिए सोने जैसा है। एज क्वाइट एज ए लैम, वो मेमने के समान शांत रहता है। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने के बहुत शौकीन है। बिसंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर सैंड, बिसंबर ने विनम्रतापूर्वक अपनी बहन से कहा कि वह फटिक को अपने साथ ले जाएगा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में उसे अपने बच्चों के साथ पढ़ाएगा। द विडोड मदर रीडली एग्रीड, विधवा माँ आसानी से सहमत हो गई। वेन इज अंकल आस्क्ड, जब उसके अंकल ने पूछा फटिक इफ ही कुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विथ हिम, कि क्या फटिक उसके साथ कलकत्ता जाना चाहेगा। हिज जॉय नो बाउंड्स, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा, मैं जरूर चलूँगा। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, इस समय इसका मतलब स्पष्ट हो चुका था कि वह वहाँ जाना चाहता है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू मदर, माँ को अत्यधिक राहत पहुँची टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाके। सी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वह उस लड़के के प्रति पक्षपात रखती थी। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में कोई प्रेम नहीं बचा था। सी वॉज इन डेली फेयर, उसे निरंतर भय रहता था दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, कि किसी न किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा। और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या लड़ाई में उसका सर तोड़ देगा। और रन हम इन टू सम डेंजर आर अदर, या उसे किसी दूसरे खतरे में डाल देगा। एट द सेम टाइम सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक स्ट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, एट द सेम टाइम मन उसी समय सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वो अत्यधिक दुखी थी, टू सी फटिक स्ट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, कि फटिक इस समय अत्यधिक उत्सुकता रख रहा है कि उसके पास से जाने की। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, जब सब कुछ सेटल्ड हो गया, फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, फटिक अपने मामा से हर मिनट पूछता था, वेन द वेयर टू स्टार्ट, कि वे कब जाएंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, उसके अंदर निरंतर उत्तेजना की सुई चुभती रहती थी। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ ए नाइट, और वह लेटे लेटे रात में जाने का स्वप्न देखता रहता था। ही बी क्वार्ट टू माखन इन परप्यूचुअली हिज फिशिंग रॉड हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स इन, वह माखन के प्रति अत्यधिक विनम्र हो गया था, उसने अपनी फिशिंग रॉड उसे दे दी, हिज बिग काइट अपनी बड़ी पतंग दे दी, एंड हिज मार्बल्स अपने कंचे दे दिए। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, वास्तव में इस प्रस्थान के समय, हिज जेनरसिटी टू वर्ड माखन वॉज
अनबाउंडेड। माखन के प्रति जो उसकी उदारता थी वो असीमित हो गई थी। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब कलकत्ता पहुँचे, फटिक मेट द एक्वाइटेंस ऑफ हिज आंट, फटिक का परिचय अपनी मामी से हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी कंडीशन टू हर फैमिली, सी वॉज नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, एक अनावश्यक रूप से फैमिली में किसी व्यक्ति के बढ़ जाने से वह खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन थ्री बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज विथआउट टेकिंग एनी एल्स, वह अपने तीन बच्चों को बिल्कुल पर्याप्त कठिन पाती थी मैनेज करना, विथआउट टेकिंग एनी वन एल्स, बगैर किसी दूसरे बच्चे के। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडस्ट वाज ट्रेबली अपसेटिंग, और एक गांव के बच्चे जो 14 साल का हो उसके बीच में पाना उसके लिए बड़ा अपसेटिंग था। बिसम्बर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इंडिस्क्रेशन, बिसम्बर को ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य करने से कम दो बार सोचना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस मानवीय संसार में, देयर इज़ नो वर्स नॉइसेंस, बहुत बुरी परेशानी होती देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, 14 साल के बालक का होना। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, वरना ही सजावटी होता है और ना ही उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सावर अफेक्शन ऑन हिम एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में उसके ऊपर प्रेम की बरसात करना असंभव है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, क्योंकि वो हमेशा कार्य में बाधा डालता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चाइल्डलेस लिसिप, यदि वो बच्चों की तरह तुतलाकर बोलता है, ही इज़ कॉल्ड बेबी, तो उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वे, अगर वह बड़ों की तरह उत्तर देता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पेरिटेंट, उसे हठी कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक अप एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड, वास्तव में किसी प्रकार की बात उसे क्रोधित कर देती है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, क्योंकि वो उस समय बढ़ती हुई एज में बड़ा अनाकर्षक होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ विथ इनडिसेंट हेस्ट, वह अशिष्टता के साथ बहुत जल्दी ही उसके कपड़े छोटे होते जाते हैं, यानी वो बड़ा होता जाता है। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी आवाज़ कर्कश होती जाती है, ब्रेक्स टूट टूट के आती है, क्वार्स लड़खड़ाती है, कांपती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा कोणी हो जाता है, एंड अनसाइटली, और बहुत क्रूर रूप हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, उसके बचपन की कमियों को क्षमा करना आसान नहीं होता है। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय 14, और 14 साल की जो लड़की कमियां होती हैं, अनदेखी कमियां होती हैं, उन्हें भी सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि किशोरावस्था बच्चे की स्थिति क्या होती है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लड़का आत्मचेतना से युक्त दर्द भरा हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब किसी बड़े व्यक्ति से बात करता है, ही इज़ आइदर अनडली फॉरवर्ड, तो उसे कहा जाता है वो अनावश्यक रूप से बहुत आगे जा रहा है। आर एल्स सो अनडली साई, या तो अत्यधिक शर्मिला होता है, दैट ही अपीयर सेम्ड ऑफ हिज एवरी एग्जिस्टेंस, कि उसका जीवन बहुत शर्मिंदा से प्रतीत होता है। यट इट इज़ एट वेरी एज व्हेन ही हार्ट्स ऑफ यंग लैड मोस्ट क्रेज फॉर रिकॉग्नाइजेशन लव, येट इट इज़ दिस वेरी एज, लेकिन इस उम्र में, व्हेन हिज हार्ट्स ऑफ हार्ट्स यंग लैड, जब वह हृदय से चाहता है कि उसे युवा लड़कों की तरह मान्यता दी जाए, प्रेम किया जाए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और किसी का भी समर्पित गुलाम बन जाता है, वो शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके प्रति आदर दिखाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई खुलकर उससे प्रेम नहीं करता है, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडिजेंस, क्योंकि माना जाता है कि अत्यधिक उसके प्रति प्रेम है। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और इससे लड़का ख़राब हो जाएगा। सो व्हाट विथ स्कॉल्डिंग एंड चाइल्डिंग, ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग्स, अत्यधिक डांटने और फटकारने से वह एक भटकने वाले कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक को खो देता है। फॉर ए, तो ये चाइल्ड की साइकोलॉजी दिखाई गई है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज, एक 14 साल के लड़के के लिए उसका घर अपना स्वर्ग जैसा होता है। टू लिव इन स्ट्रेंज हाउस, लेकिन विजनवी के घर में रहना विथ स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, वो एक प्रकार की उसके लिए यातना होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन, यदि कोई महिला उसके प्रति आनंद का भाव दिखाती है या प्रेम का भाव दिखाती है, एंड नेवर टू बी साइटेड बाई देम,
स्लाइटेड बाई देम और उसका कभी अपमान नहीं किया जाता है। इट वॉज एंगस टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन द आंट्स हाउस। फटिक के लिए बहुत पीड़ा की बात थी कि वो अपनी मामी के घर एक बगैर स्वागत किया हुआ मेहमान बन गया था। डिस्पाइज बाय हिज एल्डर न्यूमन, इस वयस्क महिला के द्वारा उसको घृणा किया जाता था एंड स्लाइटेड अपमान किया जाता था उन्हें एवरी इक्वेजन मैंने हाउस सर पर। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनी थिंग फॉर हर, यदि वह उससे कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वह इतना अत्यधिक खुश हो जाता था दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वह अत्यधिक कार्य कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब उससे कहा जाता था कि इतने मूर्ख ना बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने चैप्टर को या अपने पार्ट को याद करो। द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। घुटन भरा वातावरण और अपनी आंटी मामी के द्वारा घर में निगलेक्ट किया जाना ऑप्रेस्ड फटिक फटिक को इतना परेशान करता था दैट ही फेल्ट दैट ही कुड बी हार्डली ब्रीथ, कि वो महसूस करता था कि वो मुश्किल से सांस ले पा रहा है। ही वॉन्टेड टू गो इन टू द ओपन कंट्री, वह गाँव के खुले वातावरण में जाना चाहता था एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़े को स्वच्छ हवा से भर लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो, लेकिन वहाँ पर कोई खुला गाँव नहीं था जाने के लिए। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, क्योंकि कलकत्ता जो था वो चारों ओर घरों और दीवारों से घिरा हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, उसे रात दिन हर रात को अपने गांव का घर याद आता था एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और इच्छा होती थी कि वहां वापस जाए। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडोज, उसे अपने शानदार हरे भरे घास के मैदान याद आते थे। वेर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहां वह सारा दिन पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, उसे वो चौड़ी नदी याद आती है। वेयर ही वॉन्डर अबाउट द लिव लॉन्ग डे, जहाँ वह सारा दिन घूमा करता था सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, आनंद से गाते और चिल्लाते हुए। द नैरो ब्रुक, उसे वो सकरे झरने याद आते हैं। फेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ वह जाया करता था और डाइव लगाता था। एंड स्विम एट टाइम ही लाइक्ड, और तैरा करता था जब वह चाहता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ हिज बॉय कंपेनियंस, वह उसे अपने पुराने साथी याद आते हैं ओवर होम, जिनके ऊपर ही वॉज डिस्पॉट बताना सही दिखाता था। एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टैरेंट मदर, और इसके अलावा उसे अपनी उस तानाशाही माँ की याद आती है, हु एट सच ए प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके प्रति पूर्वाग्रह रखती थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, ये सब चीज़ें उसे दिन रात याद आती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स इज लॉन्गिंग टू बी प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, उसके शारीरिक प्रेम चाहिए था एक जानवर की तरह। लॉन्गिंग टू बी प्रेजेंस ऑफ द वन, वह चाहता था कि वो उनके सामने उपस्थित हो हु इज लव्ड, जो उसे प्रेम करते हों। एंड अनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग द एबसेंस, और वह इस एबसेंस में बहुत दुख महसूस कर रहा था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट ऑफ द मदर, एक शांत चिल्लाहट माँ के हृदय की उसके सामने रहती थी। लाइक ए लविंग कॉल फॉर इन टू लाइट, उस बछड़े की तरह जो रात में चिल्लाता है अपनी माँ के लिए। दिस लव, इस प्रकार का प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये एक जानवरों की तरह प्रेरित होता है। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकाउथ एन अगली बॉय, इस प्रकार का वह शर्मीला नर्वस मैंने परेशान, लीन मैंने दुबला पतला, अनकाउथ मैंने गंवार भद्दा लड़का महसूस करता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई इसको समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन ये बात उसके दिमाग में हमेशा शिकार ये घूमती रहती थी। तो ये पार्ट टू है, थर्ड में हम इसके आगे पढ़ेंगे।